स्वागत है। और जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था फर्स्ट लेसन, ठीक है ना, इसके बाद आज जो बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड लेसन है हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो सेकंड लेसन है उसका टाइटल क्या है, अध्ययन पद्धतियाँ, ठीक है ना। हम अध्ययन पद्धतियों की बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ हैं और वह किस तरह से, यानी आधुनिक से संपर्क करती है या परंपरागत है। तो हम इसी अध्ययन पद्धति को आज अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जितनी भी अध्ययन पद्धतियाँ हैं जो हम पढ़ते हैं उसमें दो, मतलब हम इसको दो एक कैटेगरी में समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमुख रूप से पहले क्या था, ज्ञान जो अपने जैसे कि जो भी है अब अध्ययन पद्धतियाँ थी उसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए मोटे तौर पे दो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, या दो कह सकते हैं अध्ययन पद्धतियों को हम यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में समझेंगे। तो वो है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहला तो जो अध्ययन पद्धति थी जिसके द्वारा हम ज़्यादातर अध्ययन पद्धतियों को पढ़ते हैं, तो उसमें वो अध्ययन पद्धतियाँ किस कैटेगरी यानी किसके अंतर्गत वो आती हैं। तो एक तो है यहाँ पे आगमनात्मक, आगमनात्मक पद्धति, और दूसरी जो पद्धति है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति किया जा सकता है वो है निगमनात्मक। ठीक है ना, ये दो अध्ययन पद्धतियां हैं जिसके अंतर्गत हम अलग अलग अध्ययन पद्धतियों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले से प्रमुख रूप से ये दो अध्ययन पद्धतियां हैं जिसको हमें मोटे तौर पे यहाँ पे समझना है। कि आगमनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है, कि इसमें जैसे जो भी अध्ययन किया जाता है या चिंतन किया जाता है तो वो विशिष्ट सामान्य की ओर होता है, ठीक है ना। तो इस लाइन से आपको ये समझना है कि आगमनात्मक जो अध्ययन पद्धति है इसमें क्या होता है कि जैसे हमें किसी भी अध्ययन के ऊपर चिंतन करना है या कोई लेसन है जिसके ऊपर हमें विचार विमर्श करना है, तो उसके लिए क्या होता था कि माइंड या माइंड सेटअप में पहले से ही विशिष्ट तथ्य हैं, उन विशिष्ट तथ्यों को पहले ही दिमाग में धारण किया जाता था और उसके बाद हम धीरे 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 फिर सामान्य की ओर जाते थे। यानी पहले ही जैसे एक स्पेशलाइज अपने फैक्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी एक तो प्रारंभिक चरण होता है और एक एंडिंग तक जाके पहुंचता है। तो यहाँ पे जो विशिष्ट है जिसको पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। चिंतन में क्या, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो अध्ययन क्रम चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन क्रम चलता है वो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत शामिल है। और इसके अपोजिट हम यहाँ पे बात करें तो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति, इसके अंदर जो चिंतन होता है, चिंतन कहें या अध्ययन कहें, इसमें सामान्य से विशिष्ट की और बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मोटे तौर पे हैं जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति के सोर्स हैं वो इन दो मतलब पद्धतियों के आधार पे ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। और जैसे आगमनात्मक पद्धति की बात करें, ठीक है ना, तो हम आगमनात्मक पद्धति की अगर बात करें तो पहले से आपको ध्यान रखना है कि जो पहले के जो विचारक थे, ठीक है ना, दार्शनिक, उन्होंने ज़्यादातर रूप में आगमनात्मक पद्धति का यूज किया है, ठीक है ना। और ये इस तरह से क्योंकि इसमें क्या हो गया है कि एक विशिष्ट तथ्य है जिनको पहले ही अपने चिंतन क्रम है उसमें लाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आगे हम जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि एक तरह से
अज्ञात पद्धति की बात करें तो एक वैज्ञानिक पद्धति के तौर पे ये कार्य करती है। यानी इसमें जो अध्ययन का क्रम होता है वो वैज्ञानिक अध्ययन क्रम की तरह आगे बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक जैसे हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसमें वैज्ञानिक अध्ययन है उसको ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि ये जो अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक है निगमनात्मक है, इन अध्ययन पद्धतियों को किन विद्वानों ने अपने अध्ययन में शामिल किया है, क्योंकि अलग अलग अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो किसी न किसी के विद्वान के द्वारा यूज किया गया है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इन अध्ययन पद्धतियों में, ठीक है ना, हम यहाँ पे विचार कर रहे हैं, जो विचारक हैं वो एक तो है अगस्त कामटे, ठीक है ना, एक विचारक है अगस्त कामटे और दूसरा है मिल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये दो हैं जिन्होंने इस अध्ययन पद्धतियों को अपने पुस्तक में या अपने जो भी विचार दिए हैं वो इसी क्रम में दिए हैं। तो आगे हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें कि अध्ययन पद्धतियों में हम जो बात कर रहे हैं वो है परंपरागत और आधुनिक। तो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पे क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के बारे में देखें। परंपरागत अध्ययन पद्धति, ठीक है, परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम सबसे पहले जो अध्ययन पद्धति पढ़ रहे हैं वो है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, पर्यवेक्षणात्मक। ठीक है ना, पर्यवेक्षणात्मक। तो पर्यवेक्षणात्मक में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन जैसे हम करते हैं कहीं पे जाकर ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया होती है, तो इसका ही ये हिंदी वर्जन है। तो आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड की हम यहाँ पे बात करें तो इस अध्ययन इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी भी चित्र की बात करें तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है। इस ऑब्जर्वेशन यानी वहाँ पे प्रिवेक्षण किया जाता है और उसके बाद वहाँ के जो विचार या जो कुछ तथ्य हैं उनको अपने अंश में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत, यानी प्रिवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति की हम बात कर रहे हैं, तो इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सब क्या होता है कि जैसे हम किसी क्षेत्र में गए, ठीक है ना, उस क्षेत्र में गए तो वहाँ पे हमने महसूस किया, वहाँ में अपने जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इंद्रियाँ होती हैं, इन इंद्रियों की सहायता से हमने वहाँ के तथ्यों को समझा, वहाँ के तथ्यों को समझा है और उनको फिर क्या किया कि अपनी जो विचार होते हैं उनमें उनको शामिल किया है। तो इस तरह से आपको समझना है कि एक तरह से वास्तविक अध्ययन पद्धति की तरह ही है, क्योंकि हम प्रिवेक्षण करते हैं यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर इन विचारों को अपनी कॉपी में या अपने ग्रंथ में या अपने जो भी पुस्तक आती है उनमें लिखते हैं। तो इस तरह से ये प्रिवेक्षण जो अध्ययन पद्धति है वह प्राकृतिक विज्ञानों में, जो नेचुरल जो साइंसेज होती हैं उनमें ज़्यादातर अपनाई जाती है इस अध्ययन पद्धति को, और यह वास्तविकता से ज़्यादा संबंधित होने के कारण वर्तमान में आधुनिक पद्धति का ही एक रूप भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट है आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि वास्तविक तथ्यों से ज़्यादा संबंधित है, ठीक है, इसमें वास्तविक तथ्यों को हूबहू समझा जाता है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में जैसे बात करें तो ये अध्ययन पद्धति है वो ज़्यादातर अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि यह वास्तविकता से संबंधित है, इसलिए से आपको ये ध्यान रखना है। इस अध्ययन पद्धति में जो तथ्य हैं वो वास्तविक तथ्य को हम ठोस मानकर फिर अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से ये जो अध्ययन पद्धति है,
ठीक है ना, इस दिन पद्धति को वर्तमान में भी लागू किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बड़े परंपरागत पद्धति को पढ़ रहे हैं जिसमें पर्यवेक्षण पद्धति है, और ये जो है इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी किसी तथ्यों को हम अपने ज्ञान से अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं, फिर उनके तथ्यों का वर्णन करते हैं, और वर्णन करने के उपरांत इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिन पद्धति है वो वास्तविकता से ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि इसमें जो तथ्य होते हैं वो हमें स्वाभाविक रूप में इसको कह सकते हैं कि अध्ययन के रूप में हम शामिल करते हैं। तो इस तरह से ये दो पॉइंट आपको इसके मोटे तौर पे याद रखने हैं। और दूसरा एक ये बात करें कि अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन से विद्वान ने, राजनीतिज्ञ ने पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का अपने ग्रंथ में, अपनी पुस्तक में शामिल किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मॉन्टेक्स की जो विद्वान है, इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है ना, उन्होंने अपनी जो ये पुस्तक लिखी है मॉन्टेक्स ने स्पिरिट ऑफ लॉ, इस ये जो पुस्तक लिखी गई है वो पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन मेथड के आधार, यानी क्या, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज किया गया है इस पुस्तक को लिखने में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि मॉन्टेक्स्क्यू के विशेष विद्वान है, ज़्यादातर अलग अलग और भी विद्वान हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक विशेष पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, इस पुस्तक में पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति को शामिल किया है, इसके आधार पे ही इन्होंने अपनी पुस्तक को अंतिम रूप दिया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं परंपरागत की, ठीक है ना, इस अध्ययन पद्धति में हम ये इस तरह से ध्यान रखना है कि वास्तविकता से संबंधित तथ्यों को ज़्यादा महत्व देती हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो अध्ययन पद्धति है वो अध्ययन पद्धति है दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो तथ्य है फैक्ट है वो वास्तविकता से ज़्यादा समीप रहते हैं, लेकिन इसके भी कुछ सीमाएं हैं, ये अध्ययन पद्धति है इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, जिससे जिसके तहत या कह सकते हैं कि उससे ऊपर जाके हम इसको अगर लागू करें किसी भी क्षेत्र में तो ये इसके परिणाम है वो ब्रह्मवश गलत भी हो सकते हैं। तो इसकी सीमाएं क्या हैं वो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सीमा यानी लिमिट, ठीक है ना। तो इस अध्ययन पद्धति की लिमिट क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अध्ययन पद्धति है वह एक तरह से खर्चीली कह सकते हैं, या फिर हर कोई इस अध्ययन पद्धति को अपने पुस्तक में या अपने अध्ययन जो क्षेत्र होते हैं विचार क्षेत्र चिंतन है उसमें शामिल नहीं करता। क्यों? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कोई ऐसे विचारक हैं जो अपनी भिन्न भिन्न क्षेत्र की विशेषताओं को अपने पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, तो पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति में क्या होता है कि हमें उस क्षेत्र में जाना होता है, वहाँ के तथ्यों को, वहाँ की परिस्थितियों को हमने रूबरू समझना है, इस तरह से हम अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है और वहाँ की विशेषताओं को, उनकी जो भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है उनको समझना होता है, क्योंकि पहले मैंने कहा है कि ये अध्ययन पद्धति है वह इंद्रियों की सहायता से, यानी इंद्रियों की सहायता से यह दिन पद्धति है वो सही बैठती है, यानी हमें अपने रूबरू उनको संपर्क में होना पड़ता है, जैसे कोई भी किसी भी क्षेत्र से हम उसकी विशेषता को अपने पुस्तक में लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे वेस्टर्न जो विद्वान है वो अलग अलग देशों में जाके वहाँ के अलग अलग लोगों के जो विचार हैं, या कह सकते हैं वहाँ की धरातली जो अलग अलग प्रकृति होती है या उनकी विशेषता विभिन्नता है उनको समझते हैं, इसके बाद वो अपनी पुस्तकें लिखते थे। तो इस हर एक ही विद्वान इस विधि को अपना नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हर कोई विद्वान इतना काबिल नहीं होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों को जान सके, क्योंकि एक तरह से यह संभव नहीं हो पाती है। तो ये इसकी एक सीमा होगी कि हर किसी दार्शनिक के लिए संभव नहीं है ये विधि को अपनाना। दूसरी इसकी जो लिमिट या सीमा है उसकी हम बात करें तो इस अध्ययन पद्धति को जैसे को अगर लागू करें तो इस अध्ययन पद्धति में क्या है, भूत भविष्य ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक अन्य पद्धति का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यानी दो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी दार्शनिकों के लिए यह पद्धति सुलभ नहीं है, ये आसान नहीं है,
क्योंकि हर कोई विदेशी यात्रा करके उनके यात्रा वर्तमान को अपनी पुस्तकों में शामिल नहीं कर पाता है। ये इसकी एक पहली लिमिट होगी। और दूसरी क्या होगी कि इसके द्वारा भूत व भविष्य, इसके द्वारा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भूत और भविष्य की, ठीक है ना, भूत और भविष्य की जो भी समस्या है उनको हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन इस अध्ययन पद्धति के साथ अन्य अध्ययन पद्धतियों का भी अपनी पुस्तकों में या फिर जो विद्वान लिखते हैं उनको अन्य विधियों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इसके द्वारा भूत भविष्य की परिस्थितियों को समझने में अन्य का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना, ये इसकी दो लिमिट हो गई। ठीक है ना, आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है कि एक तो इसको समझाना है कि परंपरागत अध्ययन पद्धति की हम बात करें तो पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। ऑब्जर्वेशन मेथड एक तरह से क्या है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे हम उनकी ऑब्जर्वेशन करें, उन चीज़ों को परखें, उनको समझें और उनके ऊपर अपने विचार लिखे जाते हैं और इसी विचारों को अपनी पुस्तकों में लिखा जाता है। तो ये अध्ययन जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसकी दो जो क्वालिटीज़ है मैंने यहाँ पर लिखी है ताकि आपको जब भी ये अध्ययन पद्धति दिमाग में आए तो इसकी दो विशेषताओं से पूरा जो कह सकते हैं समरी आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर इसके बाद मोटेक्सिया जिन्होंने इस अध्ययन पद्धति को अपनी पुस्तक में शामिल किया है, विचार एवं चिंतन लिखे हैं। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यह अध्ययन पद्धति है वो हर जगह काम में नहीं आ सकती है, तो इसकी लिमिट हो गई। इसकी लिमिट है दो पॉइंटों में आपको समझा दिए कि हर दार्शनिक इस विधि को या इस विधि के द्वारा अपनी पुस्तकों का व्याख्या नहीं कर सकता है। और दूसरा क्या है कि इस विधि के सिर्फ यही विधि एक ऐसी नहीं है जिसके द्वारा हम भूत भविष्य की समस्याओं को समाधान कर सके, हम अन्य पद्धतियों का भी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना, दूसरा अब इस अध्ययन पद्धति का हम यूज करते समय, ये तो लिमिट होगी, इस अध्ययन पद्धति का जब यूज करें या अन्य विद्वान यूज अपनी पुस्तकों में यूज करते हैं तो कुछ सावधानी रखते हैं। ठीक है ना, कुछ सावधानियां रखनी होती है जिसके द्वारा ये अध्ययन पद्धति वो सही सफल हो सके। तो वो सावधानियां क्या हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति का जब भी या इस अध्ययन पद्धति का जब भी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है तो यह क्या है कि अनुमान नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम उस जगह पे जाएं और वहाँ उस जगह की परिस्थितियों को, विभिन्नताओं को, सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों को समझना पड़ता है। तो इस तरह से अनुमान नहीं चलते, इसमें फैक्ट ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इस तरह से अनुमान नहीं लगाना चाहिए। पहला आपको ये कहने का मतलब इस विधि के तहत है तो सावधानी ये होती है कि अनुमान के आधारित ये विधि नहीं चलेगी। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति का या इस अध्ययन पद्धति के द्वारा जो भी वर्णन किया जाता है, ठीक है ना, तथ्यों को हमने अपने पुस्तक में संकलित किया जाता है, तो इसके लिए क्या है कि इस विधि के द्वारा हमें एकांकी या क्षणिक रूप में इस ऑब्जर्वेशन को नहीं अपनाना चाहिए। हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो एक विस्तृत रूप में, और जो जितना समय है उसके लिए, उस विधि के लिए प्राप्त उतना उस विधि को या उस मेथड को देना चाहिए, तभी यह विधि सफल हो पाती है। सावधानी के तौर पे दूसरा पॉइंट था। और तीसरा इसमें ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति जैसे पक्षपात नहीं होना चाहिए इस अध्ययन पद्धति को अपनाते हैं। अब जैसे कि बात करें कि दो विद्वान हैं, ठीक है ना, वो उनको कहा गया कि आप क्या करें कि जालौर के ऊपर ही हम बात करें कि जालौर के भूभाग हैं उसको अपने पुस्तकों में समझाना है। ठीक है ना, दूसरा है उसको कि आप भौगोलिक परिस्थितियों को अपने पुस्तक में समझाइए और किस विधि का प्रयोग करते हुए, पर्यवेक्षणात्मक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक की बात करें, एक होता है एक सिरे का बंदा है और एक जालौर का बंदा है, दोनों को ये काम दिया गया। तो जो जालौर का बंदा है वो क्या करेगा, अपने यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देगा। अगर वो हाईलाइट नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या करेगा, वह अपनी अध्ययन पद्धति के अंदर अपनी जो कह सकते हैं उसको जो टास्क मिला है उसमें पक्षपात के तौर पे ज़्यादा अपनापन दिखाएगा। ठीक है ना, जबकि दूसरा जो होगा वो क्या करेगा, एक तरह से जो उसको इम्पोर्टेंट है या जो प्रिवेक्षण किया उसके आधार पर उसको जो तथ्य प्राप्त हुए उनको ही वो अपने अंदर वर्णन करेगा। तो इस तरह से अब दोनों का अगर देखें या फिर चित्र अलग अलग हो गया, फिर भी अगर देखें तो क्या होगा कि कुछ पक्षपात रवैया है वो सामने आता है। तो प्रवेशनात्मक अध्ययन पद्धति तभी सफल होती है जब हम
किसी भी तथ्यों का अध्ययन करे, चिंतन करे, तो वो निष्पक्ष रूप में करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से इस अध्ययन पद्धति की हमने विशेषता को जो क्या है वो समझा है, फिर इसकी जो लिमिट है उसको समझा है, और इस अध्ययन पद्धति को अपनाते समय क्या सावधानी रखना चाहिए तो वो हम समझे हैं। तो आगे नेक्स्ट देखिए, दूसरी हम विधि को पढ़ते हैं। दूसरी हम अध्ययन पद्धति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वो है परंपरागत अध्ययन पद्धति की। दूसरी है अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक पद्धति। जैसा नाम से ही आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस पद्धति के अंदर किस तरह के विचार है वो आगे आएंगे। तो इसका जैसे हम इंग्लिश ट्रांसलेट समझे तो क्या होगा, हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति के द्वारा क्या होता है कि अतीत की घटनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी अतीत की जैसे वर्तमान में कोई समस्या है तो हम क्या करते हैं, अतीत में जागते हैं कि वहाँ पे इस तरह की कोई समस्या हुई है या ऐसा कोई कार्य हुआ है तो उनको हमने किस तरह से निपटाया है, तो वहाँ से हम सीख या समझ लेते हुए वर्तमान में किसी कार्य को सफल कर सके, समस्या को दूर कर सके। इस तरह का जो वर्णन है, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो इस अध्ययन पद्धति के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है जैसे वर्तमान की अपनी बात करते हैं कोई संस्था की, ठीक है ना। तो जैसे कोई संस्था है तो वो संस्था एकाएक डायरेक्टली वहाँ पे नहीं उत्पन्न होती हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, यानी वह संस्था वहाँ पे स्थापित होने से पहले क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या कार्य हैं हुए हैं, उसके बाद वह प्रक्रिया वो संस्था है वो स्थापित हुई है और वर्तमान में क्या कार्य कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी एक संस्था होती है तो उसके भूत यानी अतीत की भी कुछ घटनाएँ होती हैं जो वर्तमान में उसके लिए सहायक होती हैं। तो इस तरह से जो हिस्टोरिकल हम मेथड की बात कर रहे हैं, अध्ययन पद्धति की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, जैसे कोई विद्वान है, ठीक है ना, वो किसी तथ्य के ऊपर चिंतन मनन कर रहा है या अपनी पुस्तक है जो किसी कह सकते विषय के ऊपर लिख रहा है, तो वो क्या करेगा, इस अध्ययन पद्धति को भी अपने कह सकते पुस्तक में शामिल करेगा। किस तरह से, क्योंकि जैसे उसे अपने विचारों को लिखना है, ठीक है ना, किसी संस्था के बारे में उसको अगर लिखना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके अतीत को जानेगा, अतीत को जानने के बाद वर्तमान में उस संस्था ने कैसे कार्य किया, फिर वो अपने शब्दों में या अपने कह सकते हैं पुस्तक में लिखेगा। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति क्या है, जिसके द्वारा हमें वर्तमान की समस्याओं को या जो कठिनाई है उनको समझ कह सकते सुलझाने के लिए अतीत में झांकने के उपरांत उसका समाधान मिलता है, और इस तरह से ये विधि कार्य करती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक पद्धति की इस उपयोगिता के कारण, यानी हमें अतीत की जैसे वर्तमान में कोई समस्या है, ऐसी समस्या अगर अतीत में हुई है तो क्या करेंगे, तो हम अतीत में ये झांक कर उस समस्या का समाधान कर सकते, इसी गुण के कारण अरस्तु ने इस पद्धति को अपनाया था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, इसका एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये पहला गुण हो गया कि अतीत की वर्तमान में कुछ समस्या है तो हम अतीत में जाकर उस समस्या के समाधान खोजते हैं, और इस तरह से ये कार्य करती है ये पद्धति, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इस पद्धति के ये उपयोग के कारण, इसी उपयोग के कारण कि जैसे कि अभी जैसे कोई बात करें, कोई दो पार्टियों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा ही अगर हिस्ट्री में हुआ हो यानी इतिहास में हुआ हो तो वो किस वजह से हुआ हो, तो हम अतीत में
जागते हैं कि इस तरह की समस्या है तो उसका कैसे निपटारा किया जाता है। क्योंकि बड़े विद्वान हैं जब बड़ी मतलब अपने अपनी पुस्तकें लिखते हैं जिसमें किसी देश की या किसी कह सकते हैं कि साम्राज्य की इतिहास की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना, तो वो वर्तमान की परिस्थितियों को उसे तालमेल बैठाते हुए उसका वर्णन करते हैं। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक पद्धति काम करती है। तो इस पद्धति को इस अत्यधिक पद्धति को किस किस या किन किन विद्वानों ने अपने पुस्तक में इस विधि को अपनाते हुए उन्होंने अपने विचार चित्र या अपने चिंतन मनन को पूरा किया है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना अरस्तु एक तो है, ठीक है ना, क्योंकि अरस्तु ने इन्हीं गुण के कारण कि हम इतिहास से कुछ सीखते हुए वर्तमान में इसका उपयोग कर सके, इन्हीं गुण के कारण अरस्तु ने भी इस अध्ययन पद्धति को या इस शैली को अपनाया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति को अपनाने में और अन्य विद्वान कौन कौन सीखते हैं लॉस की, मैकिया वाली, ठीक है ना। हम ये विद्वानों को यहाँ पे जिक्र क्यों करें, क्योंकि इन्होंने इस विधि को अपनाया है, अपने जो पुस्तकें लिखी है उनमें इन विधि को अपनाते हुए अपनी जो पुस्तक है उसको पूरा किया है, ठीक है ना। दूसरा है हेगल, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे हम अपने पिछले 12th क्लास में पढ़ा होगा वर्ग संघर्ष का इतिहास, तो इस तरह से जो कार्ल मार्क्स ने उस वर्ग संघर्ष का इतिहास है इसको समझा है, तो इसमें आपको पहले से पता लग रहा है कि इतिहास यानी जो वर्ग संघर्ष होता है, दो वर्गों के बीच में जब संघर्ष होता है तो वो एकाएक कि अभी आज ही लड़ने लग गए ऐसा कभी नहीं होता है, उसके विषय कुछ इतिहास होता है, उस ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण वर्तमान में आके वो आपस में झगड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में वर्ग संघर्ष, क्योंकि अमीरी गरीबी के बीच में ये संघर्ष है, वो इतिहास में कुछ ऐसे कुछ या कह सकते कार्य हुए हैं जिसके कारण वर्तमान में उनके बीच संघर्ष हो रहा है, तो ये जो कह सकते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा समझाया गया था। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स या अन्य विद्वानों ने वर्ग संघर्ष के, जैसे इतिहास की बात करें तो ये इतिहास यानी हम अतीत की बात करें तो ये इस तरह के जो कह सकते हैं अध्ययन पद्धतियों को अपनाया है, जिसमें कार्ल मार्क्स भी है जिन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपने पुस्तकों में शामिल किया है और अपने विचारों को उन पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ाया है, ठीक है ना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि लॉस्की ने इसके बारे में कहा है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, ठीक है ना। संपूर्ण राजनीति, हम यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, संपूर्ण राजनीति इतिहास की ही देन है, ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान में कोई संस्था कार्यरत है तो उसका कुछ अतीत भी रहा होगा, वह इस्टेब्लिश यानी स्थापना हुई उस समय उसके कुछ कार्य सरण रहे होंगे तो किस तरह से आगे बढ़ी है, तो ये जो इतिहास होता है वो उसकी भूत भविष्य का एक तरह से पर्द प्रदर्शक भी होता है, क्योंकि अतीत से सीखते हुए वर्तमान में वो गलतियों से बचता है। तो ये जो इस तरह के जो कार्य प्रणाली है या जो पद्धति है वो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आती है। तो लॉस्की ये कहता है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास की ही देन है, यानी राजनीति में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं या जो सरकारें गिरती है, वापस खड़ी होती है, नई सरकार बनती है, तो अन्य सरकारों ने किस तरह से कार्य किया ये तो इतिहास को समझा जाता है, वर्तमान में उसके अनुसार क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, तो ये बात है वो लॉस्की ने कही है, ठीक है ना। दूसरा हम विद्वान, एक जर्मन विद्वान, उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि यह भूत का संपर्क ही है, यह भूत का यानी अतीत का एक अपना टच है, उससे संपर्क है जो मनुष्य और समाज का वर्तमान कार्यों के लिए तैयार करता है। लोग क्यों भागते हैं, सुबह उठते क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम अर्निंग नहीं करेंगे तो हमें अपने जो जीवन यापन है वो कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अतीत में कुछ ऐसे तथ्य हैं या कुछ विचार हैं जिनसे ये सीख ली हैं और वर्तमान में अपने कार्य को पूर्ण रूप देते हैं, और इस तरह से वर्तमान जितना ही भौतिक चिंता और जटिलताओं के कारण तनावपूर्ण होता जाएगा उतना ही भूत से प्रेरणा प्राप्त करने की संभावना बढ़ती जाती है। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति क्या है, यानी ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है उसका या उसकी सहायता से हम वर्तमान में अपने कार्य को और सही सुलभ कर सकते हैं। तो ऐसे ही
इसी तरह की जो इसकी जो विशेषता, इन्हीं विशेषताओं को इन विद्वानों ने अपनाया है, अपने पुस्तक में उन्होंने अपने इसका वर्णन किया है, ठीक है ना। तो इस दिन पद्धति की, जैसे हम पिछली बात की थी कि जो अध्ययन पद्धति है उसकी कुछ लिमिट होती है, इसी तरह ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की एक लिमिट है, क्योंकि इसको पूरी तरह से हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। तो इसकी लिमिट क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की सीमा क्या है, यानी कहाँ तक यह पद्धति है वो अपना कार्य करती हैं। इसके उपरांत अगर और भी इसको लागू करना चाहे तो इसके परिणाम है पूर्व या इसका जो अध्ययन क्रम है वो सफल नहीं हो पाता है। तो इसके यहाँ पे आपको मैं पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, तो आपको समझना है कि इसकी लिमिट क्या है, इस अध्ययन पद्धति की लिमिट क्या है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार प्रत्येक समस्या कुछ विशेष तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम होती है, यानी आपको ये समझना है जैसे वर्तमान में कुछ समस्या है, ठीक है ना। तो वर्तमान में कुछ समस्या है तो उसका सुलझा हम पास्ट की कुछ गतिविधियों से या उससे सीखते हुए हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समस्या, वर्तमान समस्या का समाधान अतीत की घटनाओं से मिले, यह भी संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान में अगर ऐसी ही घटना हुई है तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी, वहाँ के लोगों का, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियों से संपर्क है वो अलग रहा होगा। और वर्तमान में अगर ऐसी कोई समस्या हुई है तो यहाँ की परिस्थितियाँ, लोगों का अनुभव, उनके विचार, ठीक है ना, वो अलग होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है वह कहीं ना कहीं वर्तमान समस्याओं को समाधान करने में हर जगह सहायक नहीं होती है, यानी हर जगह संभव नहीं है। प्रत्येक समस्या का हल उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ही निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, इसकी लिमिट ये हो गई। प्रत्येक समस्या का समाधान ठीक है ना, प्रत्येक समस्या का समाधान तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार ही निकाला जाता है। हम हर समस्याओं का, जैसे कोई भी अभी समस्या आ गई, ठीक है ना, हम या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है, अभी दो गुटों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए हम इतिहास के अंतर्गत उस तथ्य को दोहराएं जहाँ से समाधान मिले, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी समस्या हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसका समाधान हम उस तत्कालीन, यानी उसी समय की परिस्थितियों को समझते हुए ही उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यह आपको ध्यान रखना है, इसकी लिमिट। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसमें, ठीक है ना, इसमें इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र होता है, यानी ऐतिहासिक पद्धति की बात करें, क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति यानी हिस्टोरिकल, तो इस नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर इतिहास की घटनाओं का ही वर्णन होता है। यानी अभी इस अध्ययन पद्धति को शामिल करें तो इतिहास की घटनाओं को ही ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो वर्तमान की ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं या तथ्य हैं जिनको हम अपने पुस्तक में वर्णन करना चाहें तो ये अध्ययन पद्धति पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाती है, ठीक है ना, यह वर्तमान में संपर्क नहीं रखती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो दो लिमिट है वो आपको ध्यान रखना है कि इन दो लिमिटों को आपको, या जो जितने भी विद्वान हैं अगर उन्होंने अपने इस अध्ययन पद्धति को अपनाया है तो इस दो अध्ययन, इसकी लिमिट को ध्यान में रखा है। आगे हम इसको देख रहे हैं तो इस अध्ययन पद्धति की ये लिमिट है, इसके अलावा कुछ ऐसी सावधानियाँ हैं जब ये ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति लागू की जाती है, अनेक विद्वान हैं जो अपने अध्ययन क्षेत्र के अंदर इस पद्धति को अपनाते हैं, तो उनके द्वारा कुछ सुझाव हैं, कुछ सावधानियाँ हैं। अब वो सावधानियाँ क्या हैं, अगर उन सावधानियों को हम सही से अपनाते हैं तो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है वह पूरी तरह से सफल हो पाती है, अन्यथा हम सावधानी या लिमिट को ध्यान नहीं रखें तो इसके जो परिणाम है वो विपरीत या भ्रमपूर्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो इसकी सावधानियों को देखिए,
इस अध्ययन पद्धति को अपने क्षेत्र में या अपने विचार चिंतन में शामिल करने से पहले कुछ सावधानियां होती है जिसको हमें ध्यान रखना होता है। तो सावधानियां क्या हैं वो आपको ध्यान रखना है कि इतिहास ही अपने आप को दोहराता है, ये बात सही है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इतिहास में और वर्तमान में परिस्थितियों का बहुत सा डिफरेंसेज होता है, वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में उनके विचारों में भी परिवर्तन होता है। तो इसलिए हर जगह यह संभव नहीं है कि इतिहास अपने आप को दोहराए, ठीक है ना। तो इस तरह से यह एक पहली सावधानी यही हो गई कि आपको इसको ध्यान रखना है। यानी हम इतिहास की समस्याओं को जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरह से वर्तमान में भी हम उन्हीं समस्याओं को या उन्हीं जैसे अगर बात करें कि आज जो जैसे कोई पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो वर्तमान में अगर हैं तो उन्होंने किस तरह से छुटकारा पाया है, वर्तमान में भी हम उन्हीं तरीकों को यहाँ पर अपनाएं तो वो लागू नहीं होगा, क्योंकि इतिहास की परिस्थिति अलग रही होती है और वर्तमान की परिस्थिति अलग होती है। हमें वर्तमान की परिस्थितियों को समझते हुए अपने चित्र हैं या अपने विचार हैं उनको वहाँ पे अपनाना चाहिए। तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा यह बात पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वर्तमान को समझते हुए उनके क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र को आगे शामिल करना चाहिए, यानी उनको समस्या का समाधान करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इतिहास में जो घटनाएं कुछ वजह से घटती है, इतिहास में घटनाएं कुछ वजह से घटती हैं और इस वजह से उनके परिणाम भी अलग हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्तमान की समस्या और अतीत की समस्या है उनमें फ़र्क हो सकता है, क्योंकि अतीत में जो घटना घटी है वो किस कारण से हुई है वो हमें जानना जरूरी होता है, और आधुनिक यानी वर्तमान की समस्या है वो किस वजह से घटी है, तो ये कारण अलग अलग होते हैं। वर्तमान में और अतीत में जो समस्या है इनके कारण अलग अलग होते हैं, तो फिर इनके समाधान एक समान नहीं हो सकते, यानी कि तरीके हैं वो अलग होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी वो ये जो है इसमें सावधानी के तौर पे है। तो ये थी परंपरागत अध्ययन पद्धति की दूसरी ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, ठीक है ना, हिस्टोरिकल मेथड। तो इसमें आपको यहाँ पे विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति की जो प्रक्रिया है, यानी जो कह सकते हैं कि किन विद्वानों ने अपनाया है, किस तरह से ये कार्य करते हैं, समझना है। तीसरी हम परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंदर थर्ड जो मेथड है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। परंपरागत अध्ययन पद्धति का जो तीसरा जो मेथड है वो है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, यानी कंपैरेटिव मेथड, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव मेथड को यहाँ पे अपने इस तरह समझना है कि तुलनात्मक अध्ययन जो पद्धति है वो ऐतिहासिक पद्धति की पूरक है, ठीक है ना, यानी दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं संपर्क में होते हुए किसी भी विद्वानों द्वारा अपनाई जाती है। तो इस अध्ययन पद्धति के तहत अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उसके संगठनों, उसकी नीतियों और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। जैसे कोई विद्वान है वो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपना रहा है, तो वो क्यों अपना रहा है, क्योंकि एक ऐसा रचना या ऐसी एक रचना वो कर रहा है, यानी ऐसी पुस्तक लिख रहा है जिसमें क्या कर रहा है, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को, उनके संगठन, उनके कार्यों की क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, यानी क्या है कि तुलना कर रहा है। तो जब कभी भी दो देश या राज्यों के बीच में एक ही विषय को लेकर या एक ही विषय के ऊपर आंकड़े एकत्रित करने हैं, उसके बारे में या उसको एक कह सकते हैं अपने पुस्तक में लिखना है, तो वो परंपरागत अध्ययन पद्धति की ही शैली तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाएगा, ठीक है ना। जैसे
मैं बात करूँ अरस्तु की, तो अरस्तु ने लगभग 158 अलग अलग विधानों का अध्ययन किया था। यानी अरस्तु ने अलग अलग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उनमें से जो अच्छी बातें थी वो अपने ग्रंथ में लिखी और एक अच्छे विधान की रचना की, ठीक है ना। तो ये कंपेरिजन हो गया, यानी हमें कोई भी एक अच्छे तथ्य हैं जिसका निष्कर्ष निकालना है, तो अलग अलग तथ्यों के या अलग अलग विषय के कह सकते हैं कि तुलनात्मक कंपेरिजन अध्ययन करते हुए इसका सफल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन होता है। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति में सामान्य राजनीति सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। सर्वप्रथम अभी आपको ध्यान रखना है कि इस तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की बात कर रहे हैं, तो इस अध्ययन पद्धति को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, किसने इस अध्ययन पद्धति को अपने पुस्तक में शामिल किया है, तो आपको ध्यान रखना सर्वप्रथम हम जैसे अभी मैंने समझाया है अरस्तु ने इस पद्धति का वर्णन किया, ठीक है ना। उसके द्वारा लगभग 158 विधानों का अध्ययन किया, ठीक है ना। लगभग 158 देशों के अलग अलग विधानों का अध्ययन किया। इसके बाद एक सर्वश्रेष्ठ एक अच्छे विधान यानी कह सकते हैं संविधान की रचना की। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग तुलनात्मक रूप में उनकी परिस्थितियों का उनके संस्थाओं का अध्ययन करने के बाद एक अच्छा विधान तैयार किया है। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की जैसे हमें भारत की परिस्थितियों की बात करें, तो भारत के जो विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की है, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो ये जो अध्ययन है वो कह सकते हैं तुलनात्मक हुआ, क्योंकि जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, या फ्रांस है, तो वहाँ के लोग किस तरह से हैं, उनके संविधान है वो किस तरह से वहाँ पे सफल रहे हैं, और अपने यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और एक अच्छे भारत के अनुकूल एक संविधान की रचना की। तो उन्होंने ये जो भारतीय संविधान की रचना की है उसमें कौन सी विधि को अपनाया, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया, तभी यह जाके सफल हुआ है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अब ये तो हो गया कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है, यानी जो रचना होती है विचार क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, उसमें जैसे कुछ रचना होती है, कोई विद्वान ही अपनी एक पुस्तक का वर्णन करना चाहता है, तो वो एक ही विषय को लेगा लेकिन अलग अलग परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन करेगा, और उसके बाद उसके जो तथ्य निष्कर्ष जो आंकड़े हैं उसके आधार पर उसका परिणाम निकालेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको इसकी लिमिट देखनी है कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है वो
दिन प्रतिदिन सही हैं और हर जगह इसका परिणाम सही निकलता है, लेकिन कुछ इसकी लिमिट है, तो वो लिमिट क्या है, आपको वो लिमिट ध्यान रखनी है यहाँ पे। कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है वो कहाँ तक सफल रहती है, फिर किस सीमा के उपरांत जो है वो इस अध्ययन पद्धति को अपनाए तो वो अपने सही परिणाम नहीं दे पाती है। तो इस ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति की कुछ सीमा है वो है कि कई बार भ्रमवश असमान संस्थाओं के बीच तुलना की जाती है, असमान संस्थाओं के बीच तुलना की जाएगी तो उसके परिणाम है वो सकारात्मक नहीं होंगे। जैसे भारत की जैसे कह सकते राज व्यवस्था का अध्ययन, ठीक है ना, राज व्यवस्था का एक है वो विषय लिया जाए, और दूसरा है इकोनॉमिक्स, यानी एक तो राजनीति का क्षेत्र है, दूसरा है अर्थशास्त्र का। अगर इन दोनों के अध्ययन कह सके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, इसके परिणाम है वो अनुकूलत या कैसे एक समान या उनमें कंपेरिजन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों के क्षेत्र ही अलग है। हमें तुलना करनी है तो उनका विषय एक होना चाहिए। जैसे हमें अभी बात करके एक संविधानों के ऊपर हम उनका निष्कर्ष या एक कह सकते विधान की रचना करनी है, तो संविधानों के ही रचना करें, जैसे अलग अलग देश के संविधान हैं उनकी या उनकी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और किसी देश की राज्य व्यवस्था का, तो ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है और यहाँ का जो परिणाम है वो सही और सही प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलनात्मक जो अध्ययन क्षेत्र हैं विषय के वो समान होना चाहिए। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम किसी भी क्षेत्र की तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि जब भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को हमें यहाँ पे समझना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना कि तुलना करते समय सामाजिक, आर्थिक वातावरण तथा मानव स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसकी लिमिट क्या होगी, तो आप इस तरह से ध्यान रखना है जैसे कि यहाँ के अपने भारत की लोगों के बारे में या भारत के जो लोग हैं इनके ऊपर अगर हम कोई कह सकते हैं कि उनकी विशेषताओं के ऊपर कोई पुस्तक लिखना चाह रहे हैं, और दूसरा हम बात करें कि अमेरिका के जो लोग हैं, जनजीवन है, उनके ऊपर अपने विचार है वो देना चाहें, तो दोनों में बहुत सा डिफरेंसेज होगा, क्योंकि दोनों के वातावरण अलग है, उनके मानव कह सकते लोगों के स्वभाव अलग है, आर्थिक परिस्थितियाँ अलग है। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो भारत के अलग अलग दो राज्यों, उनके लोगों के बीच, उनके व्यवहार, वातावरण, उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उनका विषय क्षेत्र है वो कह सकते हैं समान होना चाहिए, तभी उसके परिणाम हो सकते हैं, अन्यथा ये इसकी लिमिट हो जाती है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि इस अध्ययन पद्धति की ये जो लिमिट है, इसके अलावा इस अध्ययन पद्धति को अगर अपने अध्ययन क्षेत्र में और अच्छे से सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो कुछ सावधानियां हैं वो आपको ध्यान रखनी होती है। सावधानियाँ क्या हैं जिसको हमें अपने अध्ययन क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को शामिल करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना है तुलनात्मक अध्ययन है, जैसे हम तुलना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे बात करें कि आहोर तहसील की अगर बात करें तो कहा गया कि आप क्या करें कि आहोर के अंदर जो गाँव है उनका लोगों का सामाजिक रहन सहन का एक क्या करें एक विस्तृत अध्ययन ब्यौरा है वो तैयार करें। तो दो लोगों को काम दिया गया, तो वो क्या करेगा, जब अपने गांव का अध्ययन, अपने गांव के कह सकते हैं कि अध्ययन अपने गांव के ऊपर उनको कुछ लिखना है,
तो वो उसको बहुत गहराई से देखेगा, उसकी जो कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट है वो उस पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होगा, जब दूसरे क्षेत्र का उसको अध्ययन करने को कहा जाए तो वहाँ के नेगेटिव सब तरह के अध्ययन है यानी शामिल करेगा। तो इसमें क्या हो गया कि उसने क्या किया, अपने क्षेत्र के नेगेटिव इफेक्ट को ध्यान नहीं दिया और दूसरे क्षेत्र के दूसरा क्षेत्र उसको दिया गया जिसके ऊपर उसको अध्ययन करने को कहा गया, तो उसने वहाँ के सभी विषय हैं उसको अपने कह सकते हैं अध्ययन में शामिल किया, तो ये पक्षपात हो गया। तो इस तरह से इसमें ध्यान रखना है कि जब इस अध्ययन पद्धति को अपनाया जाए तो पक्षपात नहीं रखना चाहिए, यानी पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात रहे अध्ययन करना चाहिए या तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा इसमें इस अध्ययन पद्धति के लिए ऐसे राज्य संस्थाओं को चुना जाना चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि एक हो, यानी कह सकते हैं कि अगर हम तुलना कर रहे हैं तो तुलना उनमें की जानी चाहिए जिसका कह सकते हैं आधार बेस एक हो। तुलना उनमें की जाती है जो कह सकते हैं कि एक तरह से समान हो, ठीक है ना। जैसे इसको एक शॉर्ट में हम समझे तो नाइन्थ के स्टूडेंट हैं जो या टेंथ के, यहाँ पे अपने बात करके फर्स्ट ईयर के, तो फर्स्ट ईयर में दो अलग अलग स्टूडेंट हैं उनकी के वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है, तो उनको एक तरह से कह दिया कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है ना। और उनमें फिर उनके सीख नहीं पा रहे क्या बाधा है, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप इस तुलनात्मक अध्ययन को अगर ऐसे देखें कि एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को लें और एक एलकेजी के बच्चे को लें, इनके बीच तुलना करें कि इनमें सीखने में फ़र्क क्यों है, तो इन दोनों का कैसे कह सकते हैं पृष्ठभूमि ही अलग हो गई, क्योंकि एक बच्चा है जो स्टार्टिंग है और एक है जो अपर लेवल तक है, इनके बीच तुलना संभव नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि तुलना के लिए उनकी पृष्ठभूमि है वो समान होनी चाहिए। इस अध्ययन पद्धति को अपनाते समय समानता के साथ असमानता का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। यानी समानता असमानता का हमें विस्तृत रूप में जानकारी होनी चाहिए, तभी इस विधि को अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आगे भी परंपरागत अध्ययन पद्धति की कुछ एक पद्धतियाँ हैं जो रही हैं, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब तक जो पढ़ा है इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, और इसके हैंड नोट है वो आप कॉलेज कैंपस से आके प्राप्त कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।